लोगों की मुसीबतें बढ़ रही है। तो जोशीमठ में ज्यादातर क्षेत्रों की जो नीस चट्टाने हैं उसकी वजह से जो खतरा है जो टूट रहा है वो हो रहा है। साथ ही जोशीमठ के ज्यादातर क्षेत्रों में ये समस्याएं जो है वो सामने आ रही है और चट्टानों की वहां रहने वाले सबसे बड़ी समस्या वहां पर बताई जा रही है। साथ ही नीस चट्टानों की सतह खुरदुरी और दानेदार हो गई, तो ये तमाम वो वजह है जिसकी वजह से जोशीमठ में आज आपदा है। लोगों की मुसीबतें बढ़ रही है, तेज हवाएं, तेज बहाव, तेज तापमान और वेदरिंग जो भी है वो एक वजह जरूर है। तो नीच चट्टानों का टूटना जिम्मेदार है और बर्फबारी और तेज बारिश ये भी एक बड़ी वजह है। ऊपरी इलाके में बर्फबारी और तेज बारिश होती है जिसकी वजह से दरारें पड़ रही है और बर्फबारी और तेज बारिश साथ ही बर्फ पिघलने और नदियों में पानी का फ्लो तेज होना ये भी एक वजह है। साथ ही सतह के कमजोर होना और भूस्खलन भी एक वजह, तो ये तमाम वो वजह है जिसकी वजह से आज जोशीमठ में खतरा मंडरा रहा है। साथ ही पेरिनियल स्ट्रीम ये भी एक वजह है। जानिए क्या है, जोशीमठ नदियों से घिरा जो है वो क्षेत्र है जिसकी वजह से लोगों मुसीबतें बढ़ रही है। जमीन के ऊपर नीचे पानी का बहाव रहता है जिसकी वजह से दरारें पड़ रही है, तो ये तमाम वो वजह जो आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। पानी से धरातल पर नमी रहती है जिसकी वजह से दरारें बढ़ रही है, तो नमी के चलते जमीन के भीतर की चट्टाने भी कमजोर होती जा रही है और जिसकी वजह से आज जोशीमठ के जो घरे हैं वो दरार का शिकार होती जा रही है। बढ़ेंगे आगे, जोशीमठ में घरों में दरारें आने के बाद कई परिवारों को विस्थापित कर अलग अलग जगहों पर ठहराया गया है। न्यूज स्टेट संवाददाता ने विस्थापित परिवारों से उनका दर्द जानने की कोशिश की, उनसे बातचीत की, देखिए रिपोर्ट। जोशीमठ में भूदशाव के बाद जिन लोगों के अपने घर हुए करते थे, जो अपने सपनों के घरों में रहा करते थे, आज वो इस तरह से एक सरकारी जो कमरे हैं उनमें रहने को मजबूर हैं। प्रशासन ने इनकी सुरक्षा को देखते हुए भले ही इन्हें इन कमरों में रखा है, लेकिन अपने घरों की जो याद है, जो अपने घर में रहने की जो इमोशंस होते हैं उनको लेकर देखते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, नगर पालिका में इनको ठहराया गया है। जी, आप कौन से वार्ड में थे और किस तरह की स्थिति थी वहाँ पे? वार्ड में गोदामरी देवी, वार्ड नंबर 4 से सिंगदार माउंट व्यू होटल के नीचे, मलारिन होटल माउंट व्यू होटल के नीचे 2 बजे से निकल के बेटा 2 तारीख से जब हादसा हुआ तो ऐसे लगा कि भूकंप जैसा झटका आए। फिर 2 बजे रात को हम बाहर निकले, पहले तो हमने सोचा उन्होंने आग जला रखी थी, क्या कि क्या पता कुछ हो गया मोहल्ले में, तो बोला होटल गिरने को, पूरा होटल गिरने को, मलारिन होटल और माउंट हुआ आवाज आई शीशे टूटने की। तब हम लोग बाहर निकले, 3 तारीख को यहाँ पहुँचे। 3 तारीख कुछ व्यवस्था बेटा, व्यवस्था तो क्या होना, जो अपने घर में होता वो तो कहीं भी नहीं मिल सकता। अस्थायी रूप से हमारी जो व्यवस्थाएं की गई हैं, मैं कहूँगा कि जो ये व्यवस्थाएं हैं ये तो सर ठीक है, कोई बात नहीं, पर हमें वन टाइम सेटलमेंट चाहिए जो कि बद्रीनाथ के तर्ज पर हो, क्योंकि जो हमने जितना भी था हमारा उस घर से लगाव भी था, अब जो जमीन नहीं रही उस चीज का, मैं अब उस चीज का ज्यादा वो करके कोई फायदा है नहीं। जी आप कुछ ये रिश्तेदार आया नहीं हो, तब आई बाबा मिलियो, मतलब दुख दर्द बांटने, दुख दर्द हम किचन देखे बिहाई सब दल का पढ़े किचन में। जोशीमठ में आपदा से निपटने और लोगों के विस्थापन में दिक्कत ना हो उसके लिए वहां कई कंपनी पीएस और करीब 50 पुलिस अधिकारी भेजे गए हैं। डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि हालातों को देखते हुए वहां पीएससी और अतिरिक्त पुलिस फोर्स को भेजा जा रहा है। वहां पर हम लोगों ने मौके पे जायजा लिया और बहुत सारी कार्रवाइयां प्रचलित हैं, जैसे कि जो मकान खतरे की जद में है उनका चिन्हीकरण किया जा रहा है। पहले 603 थे, अब 678 उनकी संख्या हुई है, आगे भी चिन्हीकरण की प्रक्रिया चल रही है। इसी तरह से शिफ्टिंग, कुछ घरों की शिफ्टिंग कराई गई है, अभी तक 87 की हो चुकी है और आगे और कुछ लोग घरों की शिफ्टिंग जारी है, कुछ घरों पे लाल निशान लगाए गए हैं।
तो जोशीमठ आपदा को लेकर शासन प्रशासन की टीम भी लगातार एक्शन में है और जमीन धंसने की भौगोलिक वजह क्या है, चलिए ग्राफिक्स के जरिए अब आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं। जोशीमठ 1890 मीटर की ऊंचाई पर बसा है और एक नाजुक पहाड़ी की ढलान पर बसा है, तो ये भौगोलिक वजह है जमीन धंसने की। साथ ही नदियों से घिरी पहाड़ी के बीच में जोशीमठ स्थित है और करीब 4000 मकानों में तकरीबन 20000 लोग रहते हैं जिनकी मुसीबत इस वक्त बढ़ती हुई नजर आ रही है। साथ ही 100 से अधिक होटल, रिजॉर्ट और होम स्टे है वहां पर, जिन्हें अब चिन्हित किया जा रहा है जो कि खतरे के जद में अगर वो आ रहे तो। और समय के साथ आबादी बढ़ी और दबाव बढ़ा जिसकी वजह से आज दरारों की समस्या जोशीमठ में नजर आ रही है। इलाके में लंबे समय से निर्माण का काम भी जारी और ये भी कहीं न कहीं एक वजह है। साथ ही बड़े बोल्डर और अन्य चट्टानों से भूस्खलन का भी जो खतरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। खबरों में बढ़ेंगे आगे। जोशीमठ को लेकर अब प्रतिक्रियाएं भी जो है वो सामने आ रही है। अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज ने जहां जोशीमठ से खिलवाड़ कर विकास के नाम पर विनाश करने का पाप किया गया, उन्होंने क्या कुछ कहा सुनिए। सनातन धर्म के ध्वजावाहक आदि जगतगुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित ज्योतिर्मठ में जिस प्रकार से आजादी के बाद से ही सरकारों ने विकास के नाम पर वहां पे विनाश करने का काम किया, जिसका परिणाम स्वरूप आज ज्योतिर्मठ के जो स्थानीय निवासी हैं उनकी आंखों में आंसू है। आज ज्योतिर्मठ अपने अस्तित्व को लेकर के चिंतित है, वहां पे दरारें पड़ रही हैं, वहां पे पानी निकल रहा है। सवाल यह है कि जब 1976 में जब मिश्रा कमेटी बनी और मिश्रा कमेटी ने जब स्पष्ट कर दिया था कि वहां पे बड़ी इमारतें, वहां पे विस्फोट, वहां पे सीमेंट, वहां पे रोरी का इस्तेमाल नहीं होगा, उसके बावजूद भी बड़ी बड़ी इमारतें कैसे बन गई, वहां पे बड़े विकास के नाम पे जिस प्रकार से विनाश के रास्ते पे ले जाने का काम ज्योतिर्मठ को किया गया है, निश्चित रूप से उसमें सबकी इस जो प्रकृति और सांस्कृतिक और धर्म का जो वहां पे त्रिवेणी है उसका कहीं ना कहीं नुकसान करने का पाप किया है आजादी के बाद से जितनी भी सरकारें आई। जोशीमठ को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने कहा कि जिस पावर प्रोजेक्ट पर उंगलियां उठ रही है उस पर उन्होंने 2017 में आपत्ति जताई थी, क्या कुछ कहा उन्होंने सुनिए। अपील करूंगी कि वो भी लगे, शायद लगे हुए हों, और मैं सोनिया जी से अपील करूंगी कि वो अपनी पार्टी के लोगों को समझा दें कि अभी यहां पर ये ब्लेम का खेल ना खेलें, दोनों मिलकर के अभी इसमें लग जाएं कि जो लोग प्रभावित हो रहे हैं उनको ठीक से कैसे रखा जाए। अब आ रही है तीसरी बात कि ये हुआ क्यों है, हुआ क्यों है में एक्सपर्ट आ गए हैं, पीएमओ के एक्सपर्ट आ गए हैं, पर्यावरण के एक्सपर्ट आ गए हैं, जल संसाधन के एक्सपर्ट आ गए हैं, वो एक निष्कर्ष पे आएंगे। लेकिन मुझे एनटीपीसी के बारे में बताना चाहती हूँ कि मैंने खुद इस प्रोजेक्ट के खिलाफ एफिडेविट दिया है सुप्रीम कोर्ट में, वो दिया है 2017 में, जिस पर पर्यावरण मंत्रालय और जल अपने क्या बोलते हैं ऊर्जा मंत्रालय ने सहमति नहीं दी, क्योंकि तीनों उन दोनों मंत्रालयों की सहमति चाहिए थी। मैंने कहा था ये प्रोजेक्ट इरिवर्सिबल लॉस है, अपूर्णीय क्षति है, इसको रोक दीजिए। इसके बाद में फिर आया रणी गांव का हादसा, तब भी मैं आई और मैंने ये कहा कि देखिए ये रणी गांव का हादसा इंगित कर रहा है कि जोशीमठ में कुछ ना हो जाए, इसलिए इसको रोक दीजिए। तब मुझे कहा गया कि आपकी बात जो एफिडेविट में गई थी वो कुछ दिनों चली और पीएमओ ने भी फटकार लगाई यहाँ के अधिकारियों को, मतलब प्रधानमंत्री कार्यालय भी संवेदनशील रहा कि ये प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए, और पीएमओ के मिनट्स ऑफ मीटिंग है जिसमें उन्होंने फटकार लगाई कि तुम लोग क्यों पागल हुए जा रहे हो इस प्रकार से, क्यों गंगा को क्यों नहीं बचने देना चाहते हो, तब जोशीमठ के संकट की बात नहीं थी। खबरों का सिलसिला जारी, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहें। होटल को तोड़ दे रहे कह के हम क्या करें।